महानगर के अंदर स्लीपर एसी बसों के नो एंट्री के बावजूद शहर के पैडलेगंज स्थित चंपा देवी पार्क और पैडलेगंज चौराहे पर स्लीपर एसी बसों और डग्गा मार बसों की भरमार लगी रहती है। आपको बता दें, कोरोना के चलते ट्रेनों में सिर्फ रिजर्व सीटों की अनिवार्यता से डग्गा मार स्लीपर एसी बस संचालकों की चांदी हो गई है। कोरोना काल से पहले गोरखपुर से आगरा, दिल्ली और जयपुर के बीच जहाँ बमुश्किल 3 दर्जन बसें संचालित होती थी, अब इन बसों की संख्या बढ़कर 150 के पार पहुँच चुकी है। इनका किराया समय और भीड़ देखकर तय होता है। हैरत की बात तो यह है कि नो एंट्री के बावजूद पैडलेगंज से नौसड़ होते हुए सहजनवा तक दर्जन भर से अधिक पेट्रोल पंप और ढाबा मिनी बस स्टेशन के रूप में नजर आ रहे हैं। बसों में ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा है, वहीं इमरजेंसी में यात्रा करनी हो तो मनमाना किराया अदा करना पड़ता है। सीट की मारामारी से इसकी बोली भी लगी रहती है, लेकिन स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस को इसकी जानकारी होते हुए भी यात्रियों का शोषण हो रहा है। आखिर किस परमिशन पर इन्हें शहर के अंदर एंट्री दी जा रही है, इस बात को बताने के लिए ट्रैफिक के अधिकारी कन्नी काट रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता ने SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला से बात की तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया।